नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ सुनील पटेल, आप जो रहो वडोदरा इमेज वेब न्यूज चैनल। एनएसएस यूनिट एसवीआईटी वासा द्वारा रक्तदान शिविर नु आयोजन। एनएसएसएस यूनिट एसवीआईटी वासा द्वारा 94 यूनिट रक्त एकत्र करवामां आव्युं। एनएसएसएस यूनिट एसवीआईटी वासा स्वयंसेवकों द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी आणंद गुजरात सहयोग थी रक्तदान शिविर नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सेवाना आ भगीरथ कार्य में गुजरात स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी माथी श्री मनुभाई वगैरह डेप्यूटी डायरेक्टर, श्री तुषार वेपरमार असिस्टंट डायरेक्टर उपस्थित रही विद्यार्थियों ने रक्तदान कौन करी सके, क्यारे करी सके, रक्तदान केम करवू जोईए, सुरक्षित रक्तदान इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी माध्यम से केवी रीते करी शकाय तेनी जानकारी आपी हती अने विद्यार्थियों ने रक्तदान करवा माटे प्रोत्साहित कर्या हता। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी आणंद तरफ थी श्री शैलेषभाई पटेल, मानद मंत्री IRCS आणंद, डॉक्टर देवेंद्र सचदेव मेडिकल ऑफिसर, जयाबेन पटेल इंचार्ज रक्तदान शिबिर उपस्थित रही आ रक्तदान शिबिर सफल बनाई थी। आ प्रसंगे लायन्स क्लब आणंद चेरमेन श्री रमेशभाई पटेल तेमनी टीम साथ उपस्थित रही रक्तदाताओं ने भेट आपी प्रोत्साहित कराया था। आ प्रसंगे SVIT ना वाइस चेरमेन श्री हार्दिकभाई पटेल उपस्थित रही विद्यार्थियों साथ रक्तदान करू थू अने विद्यार्थियों ने रक्तदान करवा प्रोत्साहित कराया था। संस्था चेरमेन श्री रौनकभाई पटेल और सेक्रेटरी श्री गौरवभाई पटेल आ प्रसंगे उपस्थित रही NSSS स्वयंसेवकों रक्तदाता विद्यार्थियों और स्टाफ ने आ सामाजिक कार्य में मोटी संख्या में भाग लेवा प्रोत्साहित कराया था। संस्था आचार्य डॉक्टर DP सोनी मार्गदर्शन में डॉक्टर विकास अग्रवाल प्रोग्राम ऑफिसर NSS यूनिट द्वारा NSS स्वयंसेवकों की मदद की आ कैम्पनु सफल संचालन करूँ थूँ। डॉक्टर विकास अग्रवाल ने जणाव्युं कि आ शिबिर में 94 यूनिट रक्त एकत्र करवामां आव्युं छे। आ कैम्पनी विशेषता ए रही कि मोटी भागना दाताओं एवं था कि जमने प्रथम वक्त रक्तदान करूँ थूँ। SVIT वासदना अध्यक्ष श्री रौनकभाई पटेल, उपाध्यक्ष श्री हार्दिकभाई पटेल, मंत्री श्री गौरंगभाई पटेल, सहमंत्री श्री नैतिक पटेल, खजांची श्री अल्पेशभाई पटेल, ट्रस्टी श्री सतीशभाई पटेल, श्री संजयभाई पटेल, हेमंतभाई पटेल, कैंपस डायरेक्टर श्री दिनेशभाई पटेल, आचार्य डॉक्टर DP सोनी, डॉक्टर विकास अग्रवाल प्रोग्राम ऑफिसर अने समस्त SVIT परिवार तरफ थी NSSS ना स्वयंसेवकों ने तेमनी समाजना उपयोगी सुंदर कार्य माटे अभिनंदन पाठवामां आव्या हता। आज 31 मार्च 2023 में SVIT ना कैम्पस में रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा ब्लड डोनेशन एक मेगा कैम्पन आयोजन करवामां आव्युं छे। SVIT आवा ब्लड डोनेशन ना कैम्प मोटा भागे कैम्पस में करतु जायुं छे अने एमां वधारे ने वधारे छोकराओ भाग ले एवी रीते हूँ आशा करूँ छूँ। SVIT में छोकराओने खाली भणवानुं नहीं पण आवी रीते कोईपण सोसायटी माटे कोई नोबल कॉज करवानुं पण अमे लोको शीखवाड़ता होईए छे अने एमां छोकराओ मोटी संख्या में भाग लेता होय छे। आभार। મારું નામ તરંગ પ્રફુલભાઈ પટેલ છે, હું SVIT માં છેલ્લા 4 વર્ષથી અભ્યાસ કરું છું ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં। આ SVIT કોલેજ છે એ એવરી યર એવરી 6 મંથ આઈ કેન સે દેટ આવી રીતના બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરે છે। મને અહીંયા બ્લડ આપીને ખૂબ સારું લાગ્યું। હું વિવેક પુરોહિત SVIT માં ભણું છું, ફર્સ્ટ યરનો સ્ટુડન્ટ છું। અહીંયા SVIT માં દર વર્ષે બ્લડ ડોનેશનનો કેમ્પ થાય છે, જેમાં હું સતત બીજી વાર આપી રહ્યો છું, બ્લડ ડોનેટ કરી રહ્યો છું। હું પ્રભાવ ચતુર્વેદી SVIT સેકન્ડ યર સિવિલ ડિપાર્ટમેન્ટનો વિદ્યાર્થી છું। હું છેલ્લા 2 વર્ષથી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં બ્લડ આપું છું અને SVIT માં આ વર્ષે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ થાય છે તો આ વર્ષે મેં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં આપણું પોતાનું બ્લડ ડોનેટ કર્યું છે। થેન્ક યુ। મારું નામ વસોયા યાંત્રિક છે, હું SVIT કોલેજનો સ્ટુડન્ટ છું, ફર્સ્ટ યરમાં ભણું છું। હાલમાં SVIT માં બ્લડ ડોનેશન માટેનું કેમ્પ રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મેં પ્રથમવાર મારા બ્લડ ડોનેટ કર્યું છે અને ઘણું સારું લાગી રહ્યું છે, જે મારા બ્લડના કારણે બીજા 3 લોકોને, જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદ મળી શકે છે।